नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। शुक्रवार को बिजनौर के इंदिरा बाल भवन में आयोजित कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। भाजपा योजनाओं का लाभ देने के लिए जनता के बीच जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए श्रम विभाग के चक्कर काटते थे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता था। वह अफसरों के चक्कर काटते काटते थक हार कर चुप होकर घर बैठ जाते थे, जिससे उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन अब भाजपा सरकार में विभाग के कर्मचारी खुद लेबर अड्डों पर जाकर उनका पंजीकरण कराने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है। मजदूर घर बैठे पंजीकरण करा सकते हैं। उसकी फीस भी 50 रुपए से घटाकर मात्र 20 रुपए कर दी गई है। वहीं उन्होंने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा सरकार में श्रम विभाग में केवल साइकिल बांटी जाती थी। श्रमिकों के नाम पर चहेते कार्यकर्ताओं को साइकिल बांटकर विकास के धन का दुरुपयोग होता था, लेकिन अब योजनाओं का लाभ पात्रों तक दिया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक अशोक राणा व ओम कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार में श्रमिकों का पंजीकरण कराने पर जोर दिया जा रहा है। पंजीकरण होने पर ही उन्हें योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं चांदपुर विधायक कमलेश सैनी ने कहा कि पिछली सरकारों में गरीबी हटाओ का नारा दिया है और इसकी आड़ में गरीबों को ही हटा दिया गया। भाजपा सरकार गरीबों के विकास के लिए काम कर रही है। बोर्ड के सदस्य राम अवतार सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव सिसोदिया, नगर अध्यक्ष संजीव गुप्ता, जितेंद्र राणा, आयुष चौहान, मंदीप चौधरी, डीएम रमाकांत पांडे, डीएलसी वंदना, एएलसी प्रमोद कुमार, प्रभारी जिला एवं सेवा योजना अधिकारी पंकज चौधरी आदि मौजूद रहे। इसके बाद 16 फरवरी को इलाहाबाद में होगा, जहां पर 1100 श्रमिक की बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से प्रयागराज की संगम तट की धरती पर कराया जाएगा और ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। किसी भी सरकारी योजना के द्वारा या किसी भी सामाजिक संगठन के द्वारा 1100 जोड़े की शादी का अब तक उत्तर प्रदेश का सबसे रिकॉर्ड होगा, पूरे देश का रिकॉर्ड होगा। अभी तक ये रिकॉर्ड गुजरात के नाम था। वहां के सभी बड़े बड़े व्यापारियों ने, सेठों ने सामाजिक बैनर के करीब 1100 लड़कियों की शादी की थी। अब दूसरा रिकॉर्ड उसका बीट करेंगे, 1111 लड़की की शादी करा करके हम उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश इन सभी की बेटियों का शानदार तरीके से शादी करा करके हर्षोल्लास के साथ श्रमिकों का विशेष ऊंचा उठाने का काम करेगा। हमने इस व्यवस्था को पिछले साल लागू किया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार केवल साइकिल बांटा करती थी, उसके वजह आज मंत्रालय योजना चला रहे हैं। हम साइकिल भी श्रमिकों के उन बेटियों को देंगे जो हाई स्कूल पास करेंगी या इंटर पास करेंगी, तो उनको हम साइकिल भी देंगे। हम पूर्ववर्ती सरकार की तरह रेवड़ी की तरह किसी को खुश करने के लिए नहीं देंगे, बल्कि श्रमिकों के सम्मान को, श्रमिकों के बच्चों के अच्छी पढ़ाई लिखाई को सशक्त बनाने के लिए देने का काम करेंगे। और इस दिशा में श्रम विभाग तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी श्रमिक हित लाभ योजनाओं के बांटने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से चल रहा है, जैसे आपने बिजनौर में देखा। कल मैं सहारनपुर में कार्यक्रम किया हूं और इसके साथ ही साथ सामूहिक विवाह का भी कार्यक्रम बड़े तेजी के साथ धूमधाम से चलने जा रहा है। लगभग सामूहिक विवाह 20 मंडल जिलों में अब तक कार्यक्रम तय हो चुके हैं और आपकी मुरादाबाद में भी संभवतः अप्रैल या मई में यहां भी सामूहिक विवाह कराया जाएगा। जगह हमारे डिप्टी लेवल कमिश्नर खुद चुनेंगे इन चारों मंडल के किस जिले में कहां कराना है, स्थान उन पर निर्भर करेगा। तो ये अभियान तेजी के साथ इसलिए चलाया जा रहा है कि श्रमिक भी, क्योंकि केवल वो श्रमिक ही नहीं है, उसकी पहचान राष्ट्र निर्माता के रूप में है और जो राष्ट्र निर्माता है मेरी मान्यता में भाग विधाता भी है, इसलिए उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये योजनाएं उसके लिए समर्पित है। माननीय मंत्री जी, इतनी कल्याणकारी योजनाएं आपकी सरकार और आपका विभाग श्रमिकों को दे रहा है, लेकिन आए दिन देखने में आता है जो साप्ताहिक बंदी है जिससे श्रमिकों को एक दिन का अवकाश मिलता है वो नहीं मिलता है, और साप्ताहिक सब जगह जो है बाजार आए दिन रोजाना की तरह खुले रहते हैं साप्ताहिक बंदी के बिना।
इस संदर्भ में आप देखिए क्या कहेंगे? साप्ताहिक बंदी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का होता है जी, श्रमिकों का ये कार्य उनकी स्वेच्छा पर होता है, वो कभी कभी रोज जाते हैं, कभी कभी 15 दिन गैप पर जाते हैं, वो कोई नियमित वेतन भोगी नहीं है, उनका जाना मजबूरी है, इसलिए वो अपनी स्वेच्छानुसार जब चाहे जाए जब चाहे न जाए, इसलिए ये फार्मूला उन पर लागू नहीं होता। यदि इनका दूसरी बात प्रॉब्लम जो आपके हक के मुताबिक मजदूर की मजदूरी कितनी है, जो न्यूनतम वेज निर्धारित किया गया है वो इनको मिलता है क्या महीने में? उनका लगभग 7,750 रूपया कुछ पड़ता है, लगभग 8,000 जब इतना है तो ऐसे में मजदूर के बच्चे कहाँ पढ़ पाते? मजदूर के बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था सरकार ये इसीलिए मैं एक घंटा उनको कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी इसीलिए दिया कि सरकार सारी व्यवस्था उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कर रही है, इसलिए उनको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे की तरफ नहीं, श्रम विभाग पूरा का पूरा योजना उनके लिए ला के दे रहा है, जानकारी के अभाव में वो अपने बच्चों से काम लेते हैं, इसीलिए मैं जगह जगह श्रमिकों को सावधान कर रहा हूं, सजग कर रहा हूं और जानकारी दे रहा हूं जिससे योजनाओं का लाभ लेकर के अपने बच्चों की ठीक से पढ़ाई करें। प्रचार प्रसार शुरू हो गया है।